Come on! ये होती है असली मेहनत। ये देखो पैरों के छाले, इतने छाले पड़ गए ना, क्या बताऊं मैं आपको। रियल टैलेंट ये असली मेहनत होती है भाई। YouTube पे आप उसको खान बाबा को चैलेंज करते हो, अगर आप पहले हमसे लड़के दिखाओ तो खान बाबा तो चलो फेक है, हम असली मर्द हूं, असली मर्द, हमसे लड़ो। काला दाढ़ी तेरी बता बता आगे बता आगे बोल। और क्या बोलूं मैं, आप पहले तकिया डाल के आप वीडियो बनाते हो। आग रात है, घूंघट उठी है, सुहाग रात है साधु की। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग, हो सब बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे से होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए व्लॉग में। आज काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ, खान बाबे की हमने लेके रखी थी थोड़ी। तो दोस्तों अभी मैं उठ चुका हूँ बिल्कुल सुबह मस्त एकदम, आप देख रहे होंगे पीछे, ये देखो पीछे ऊपर लाइट जली हुई है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है और पीछे बंदे सोए हुए हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा आराम से बात कर रहा हूँ, वरना थोड़ा एनर्जी के साथ बंदा बात करता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको मतलब इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। इसे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, पेज को फॉलो किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार, अपने भाई को प्यार किया करो, थोड़ा सा सपोर्ट किया करो यार। रियल टैलेंट को छपरियों को तो चलो होता ही होता रहता है, लेकिन रियल टैलेंट को सपोर्ट किया करो, जो हार्ड वर्क करता है, असली जो रियल हीरो होते हैं ना उनको सपोर्ट किया करो दोस्तों, ठीक है। अपने भाई को सपोर्ट बनाए रखो दोस्तों। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको बाहर कितनी ज़्यादा धुंध है, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको यार, कसम से बहुत ज़्यादा धुंध है, इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है ना, अभी सब मस्त सोए हुए हैं। ये देखो ये चिड़िया है, ये देखो कितनी धुंध हो रही है, बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है यार कसम से। कल तो साधु भाई उठ गए थे तो वहाँ पे हमने आग जलाई हुई थी, लेकिन अभी तो वो पता नहीं नहाए, अभी बोल रहे थे कि मैं आग जलाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ सबसे पहला बंदा तो मैं ही होता हूँ एकेडमी में उठने वाला। ये देखो कितना धुंध हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी धुंध है ना, क्या बताऊँ मैं कसम से आपको यार, ठंड में मन ही नहीं करता उठने का, कम से कम 11 बजे तक मन ही नहीं करता बंदे का यार उठने का, लेकिन क्या करे यार, डाइट लेनी पड़ती है, खान बाबा की तरह कपड़े लगा के बॉडी बनाना दिखाना वो सब बेकार चीज़ें तो नहीं आती ना हमें, हम रियल है तो हमें रियल चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने में मज़ा आता है। देखो हर कोई जो भी मेहनत करता बंदा तो उसको पता ही होगा उसका हार्डवर्क, उसके पीछे कितना ज़्यादा हार्डवर्क होता है दोस्तों। बाकी आपने सपोर्ट किया करो, मुझे ही नहीं, मैं नहीं ये नहीं बोल रहा कि मुझे सपोर्ट करो, हर एक एथलीट को सपोर्ट किया करो, क्योंकि वो उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है दोस्तों, ठीक है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि नाश्ते में मैं सबसे पहली मील क्या ले रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ डायरेक्ट, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अभी जो मैंने अपनी मील जो है पूरी रेडी करके रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये होगी मेरे ड्राई फ्रूट्स, ये है खजूर, और ये होगी किशमिश, फ्लैक्स सीड्स विद तिल, सफ़ेद तिल है, और ये थोड़ा सा गुड़ है, और ये हो गया अखरोट, और ये होगी मेरी फेवरेट चने, अगर आपको घोड़ा बनना है, घोड़े जैसी ताकत चाहिए तो आपको चने खाने पड़ेंगे, और ये माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है मेरे, ऑल टाइम फेवरेट क्या बोलते हैं, पपीता, और ये हो गया अनार एंड कश्मीरी एप्पल, अगर आपको स्किन पर ग्लो लानी है तो एप्पल खाओ, और ये साथ में रहा संतरा, संतरा किन्नू जो भी है खा लो। वो देखो सारे बंदे मस्त सोए हैं, और आपका भाई बादशाह खान ले रहा डाइट, खान बाबा को हम चित करने वाले हैं डाइट लेके, ठीक है दोस्तों। बाकी खाया करो, सबसे पहली मील में हमेशा पहले लिया करो फ्रूट खाया करो, सबसे पहली मील में हमेशा फ्रूट खाया करो, ताकि आपका जो जो नेचुरल चीज़ है, जो भी मल्टीविटामिंस है, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी, अच्छा रहेगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, अच्छा रहेगा बिल्कुल। बाकी अभी खाऊंगा अपनी मील को, करूंगा एंजॉय, वीडियो में बने रहना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला आज की वीडियो में, ठीक है दोस्तों। खान बाबा की वाट लगाने वाली, आज मैं इस उंगली से बेड उठाने वाला, पता कौन से बेड, ये वाला बेड, पता कौन सी उंगली से उठाने वाला हूँ मैं, इस वाली उंगली से,
इस वाली उंगली से आज मैं इस बैट को आपको उठा के दिखाऊंगा, बाकी वीडियो बने रहना, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे उठाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला आज की वीडियो में। और मैं अभी फिलहाल पता क्या खा रहा हूँ दिखाऊँ आपको, बहुत ज़्यादा ठंड है, साथ में मैं खा रहा हूँ भुर्जी और ये है मेरा शेक, ये बनेगा शेक और खाऊंगा। और ठंड इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है ना यार, ओहो क्या बताऊँ मैं यार, दिमाग ख़राब हो गया मेरा यार, इतनी ज़्यादा ठंड है ना यार। ये देखो बाहर धूप का तो नाम ही नहीं है, ठीक आनी थी चीज़ बंद हो। और ये जो है मेरा खाना हो रहा है पैक, अभी दोपहर के लिए मैं खाना ले जाता हूँ अपना, और खाना खाना भैया, और बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी खाऊंगा मैं अपना, एंजॉय करूँगा। देखता हूँ आज ग्राउंड तो जाना है मैंने बहुत ज़्यादा, और शाम को जिम भी करनी है आज, क्योंकि सुबह जिम करने नहीं आती यार, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है यार। तो अभी फ़िलहाल मैं खाऊँगा, बन गया मेरा शेक, मेरे वो बढ़िया शेक बना है, अब पीऊँगा एंजॉय करूँगा। वो बढ़िया बना है, पिया करो अभी, पिया करो बढ़िया मस्त हेल्दी रहो। मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गया हूँ अभी आज, क्योंकि फ्राइडे है तो नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ऊपर वाले को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी ठंड लगी है, बहुत हालत ख़राब होगी, थोड़ा पानी गर्म था, मोटर चलाया था मैंने, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, इतनी ठंड थी कि हालत ख़राब होगी मेरी। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, और वो देखो वो भी नहा रहा है, वो बंदा छुप गया, वो देखो इनको खान बाबा की याद आ रही है, लेकिन मुझे ऊपर वाले की याद आ रही है। अभी फ़िलहाल पढ़ेंगे हम नमाज, नमाज पढ़ने के बाद हम जाएंगे सीधा फिर खान बाबा से मिलने। और ये रही मेरी हायाबूसा, बाकी नमाज पढ़ा करो आप भी, हमेशा ऊपर वाले को याद किया करो साथ साथ में, मस्ती के साथ साथ में दोस्तों, बाकी वीडियो। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ, मैंने अपनी हायाबूसा पीछे खड़ा कर दी, और अभी मैं फ़िलहाल पढ़ूँगा नमाज। बहुत ज़्यादा ठंड है, आँखों में इतने आंसू आ गए यार, बाइक चलाते चलाते नहाते नहाते यार क्या बोलते हैं, हालत ख़राब होगी, इतनी ज़्यादा ठंड है ना यार, ओह माय गॉड, पहली बार देखी यहाँ इतनी ठंड है। और ये रही मस्जिद, तो फिलहाल जो है मेरी नमाज होगी, अब जा रहा हूँ मैं घर, सीधा घर जाके सीधा मैंने जाना ग्राउंड, और हमारे जो डॉक्टर साहब वो देखते रहते कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, और डॉक्टर साहब कैसे हो, सब बढ़िया, तो ये देखते रहते मेरी व्लॉगिंग। तो अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं घर, और उसके बाद जाऊँगा मैं सीधा ग्राउंड, अभी खाना खा के। और ये रही मेरी हायाबूसा, अब हम मिलते हैं सीधा आपको। तो दोस्तों अभी मैं निकल चुका हूँ सीधा अपने मिशन के लिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा मिशन है, वो आप सभी को पता होगा कि WWE में पहुंचना, वहां तक बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया में 140 करोड़ आबादी है, उसमें से कुछ ही बंदे WWE में है, तो उसके लिए पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करनी पड़ती है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इतनी ज़्यादा ठंड है, हालत टाइट हो गई है, खस्ता एकदम, लेकिन हमने फिर भी हार्डवर्क करना है। जो रियल टैलेंट होता है, जो मेहनती लोग होते हैं, वो ये नहीं देखते ठंड हो कुछ भी हो, उनको करना ही। ये देखो मेरे हाथ कैसे है, आपको देख ही रहा हो, दिख रहा होगा, ये देखो मैं जैकेट पहना है, ऊपर से टोपी पहनी हुई है, शोल्डर में भी दर्द हो रहा है, शोल्डर मारे मैंने, शोल्डर की भी हालत ख़राब है, मतलब ठंड में ऐसी ऐसी जगहों से दर्द निकलते हैं ना, ऐसी जगहों से दर्द होता है ना, मतलब बंदा एक्सपेक्ट ही नहीं करता यार कि ये दर्द कहाँ से हुआ, ऐसी जगहों से दर्द निकलता है, गलत में समझना। तो दोस्तों यार कसम से, सच में यार, रियली यार, मतलब मजाक के बिना, बहुत ज्यादा दर्द, मतलब बंदा सोचता नहीं है यार ये कहाँ से दर्द हुआ, अचानक से दर्द हो जाता है यार, किसी भी जॉइंट में, किसी भी पता नहीं बॉडी के पार्ट में यार, दिमाग खराब हो जाता है यार, बंदे का मन खराब हो जाता है। बंदा ना इतना मोटिवेशन के साथ सुबह उठता है कि बढ़िया करूं, लेकिन सुबह जब उठता है ना बंदा तो करता मेरी बैक में दर्द हो रहा है, मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है, कल मैं एकदम, मतलब शोल्डर मेरा बिल्कुल ठीक था, जब सुबह उठा मैं तो मेरे शोल्डर में कांड हो गया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छे से स्ट्रेचिंग करेंगे, मालिश मुलिश करेंगे रात में, देखते हैं। फिलहाल तो अभी जा रहा हूँ मैं ग्राउंड, ग्राउंड में जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अभी खासकर रेसलिंग से ज़्यादा ग्राउंड जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि देखो अगर आपकी बॉडी फिट है, अगर आप एकदम फिट लगोगे, देखो बॉडी मैटर नहीं करती है, बॉडी तो क्या बोलते हैं उसकी बिग शो की भी थी, वो मैटर नहीं करती है भाई। देखो अभी आजकल सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे WWE, AEW जो भी है, मतलब रेसलिंग की कंपनी है, सारे बंदे फिटनेस, जिस बंदे में फिटनेस होगी, जिसमें अच्छा कार्डियो होगा, कार्डियो जिसमें मतलब अच्छा कार्डियो कर पाता होगा, जिसमें अच्छी स्ट्रेंथ होगी, उसी को मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है, वही बंदा आगे जाता है। तो इसीलिए कार्डियो पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए हर किसी एथलीट को, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, एथलीट हो, क्रिकेटर हो, कोई भी हो, तो कार्डियो पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया करो आप भी और सब भी। अगर आपको फैट लॉस करना है, कुछ भी करना, जो भी आपका गोल होगा, तो उसमें आपने क्या बोलते हैं वो कार्डियो करना ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी जा रहा हूँ फिलहाल कार्डियो करना, तभी मैंने अभी 102 केजी से मैंने 82 समथिंग अभी मेरा वेट, मतलब मैंने एक साल के अंदर अंदर 18 केजी मसल मास, प्योर मसल मास, फैट नहीं, वो फुला हुआ गुब्बारा नहीं खान बाबा की तरह, प्योर मसल मास मैंने कम किया है। मास कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी हार्ड वर्क करो, लेकिन वो मुझे पता है मैंने कर लिया, जो भी किया बहुत हार्ड वर्क किया उसके लिए। तो आप भी कर लो, देखो यार कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, इम्पॉसिबल नहीं है कि अगर आप करोगे तो हो जाता, पॉसिबल हो जाता अगर आप करोगे, कंटिन्यू करोगे। तो बस आपने यही करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है ज्यादा से ज्यादा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना और पेज को करना है फॉलो, और शेयर कर लो दबा के, और खान बाबू को टैग कर लो कि देख लो कि क्या बोलते गुब्बारे देख ले, ऐसे मेहनत कर ले। वैसे कपड़े लगा के कोई मेहनत कर लेता, कपड़े तो मैं भी लगा के वीडियोस बना देता हूँ। तो आपको मतलब एक ही काम करना पड़ेगा, मेहनत से लगन से काम करना पड़ेगा। बाकी फिलहाल अभी जा रहा हूँ मैं ग्राउंड में, हम अब सीधा मिलेंगे, मैं आपको ट्रेनिंग दिखाऊंगा कि आज मैं कार्डियो में क्या करूंगा, आज तगड़ी ट्रेनिंग करूंगा, क्योंकि आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है, ये देखो थोड़ी सी धूप निकली हुई है, तो थोड़ा मजा आ जाएगा। बाकी देखो यार बॉडी बहुत ज्यादा टाइट है, बॉडी गर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ठंड में, खासकर इंजरी का बहुत ज्यादा डर होता है। तो अभी फिलहाल मैं आपको सीधा मिलूंगा ग्राउंड में। तो दोस्तों मेरे जो है 4-5 राउंड दो मैंने कर लिए, अभी मैं फिर एक राउंड कर रहा हूँ, 2-3 राउंड अभी मैंने और करने। ये एक्सरसाइज जो है, ये वर्कआउट जो है, आपकी बॉडी को तेज करेगा, फुर्तीला, इसको बिजली बोलते हैं ना, बिजली, इसको कॉपी करना 4-5 सेट, 10 सेट जितना भी है, इसकी एक ही सेट में हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या करता हूँ मैं, देख लो फॉलो। देखने में आपको ये बहुत आसान लगी, हाँ, लेकिन करने में बहुत ज़्यादा फटती है, दिखने में बहुत ज़्यादा, मुझे भी आसान लगती थी, जब इंसान करता तो बहुत ज़्यादा फटती है कसम से। आगे बताता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने थोड़ी बहुत सांस ले ली, मेहनत है, हार्ड वर्क है, देखो बोलते तो हर कोई है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। जो भी कोई बड़ा सपना देखता है, पैरों के छाले, हार्डवर्क, पसीना, ठंड, मुसीबत, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है भाई। मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम, मेरे अभी शिन्स में इतना पेन हो रहा है ना, थेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन नहीं, क्यों नहीं करा रहा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है एक एथलीट के पास, बहुत ज़्यादा होती है। बस यही होता है कि लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो फाइनेंशियली, थोड़ा फाइनेंशियली बंदा स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है, तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा, ताकि एक एथलीट को थोड़ा सा सहारा बन जाए। मतलब अभी मैं दिखाता हूँ आपको, बाद में ट्रेनिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं अपने पैरों के छाले और मेरी जो क्या बोलते हैं उसमें दर्द होता है बहुत ज़्यादा, क्या नाम है, शिन्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है मुझे, ट्रेनिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो थेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं देसी थेरेपी लेता हूँ, जैसे कि
पानी गर्म किया, उसमें नमक डाला थोड़ा सा, और फिटकड़ी या मालिश वाली जो भी बामा में नॉर्मली, इतना ज़्यादा मैं क्या बोलते हैं खर्चा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, देखो मेंटेन करना पड़ता है हर एक चीज़, डाइट से लेके फीस सब कुछ मतलब करना पड़ता है। बाकी दोस्तों समझदार के लिए इशारे काफ़ी होता है, सब लोग तो समझदार हो, बस अपने भाई को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा कि ताकि मैं अपने इंडिया का नाम रोशन कर सकूँ। देखो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, कसम से यार सच बता रहा हूँ मैं, वो बताने की बात है, लोग तो बोलते रहते हैं यार कि ऐसे फालतू है ये सब चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, ऑफ के मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं आप लोगों को इसे दिखाता हूँ ताकि आप सभी लोगों को पता चले कि एक एथलीट कितना हार्ड वर्क करता है। लोग बोलते हैं ना ऐसे ही बैठ के कंबल में बैठ के बिस्तर में बैठ के कोई भी कमेंट कर लेता है, कोई भी लिख लेता है, कोई भी कुछ बोल देता है, तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। कोई भी एथलीट हो, कोई भी बड़े से बड़े एथलीट हो, तो वो उसी को पता होता है वो कितना पापड़ पेलता है। बाकी देखो आपकी मर्ज़ी है, वो लोगों की थिंकिंग क्या है वो सब चीज़ें तो नहीं सोचता कोई भी एथलीट, जो बड़ा एथलीट होता है उन सब चीज़ों को इग्नोर करता है। बाकी बस हर एक एथलीट को सपोर्ट करो और अपने भाई को भी सपोर्ट करो ज़्यादा ज़्यादा। अभी बस मैं, मेरी शीन में बहुत ज़्यादा फेन हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी एक आध सेट और करूँगा क्योंकि मैंने पहले ट्रेनिंग कर दी, तो मैं आपको दिखाने के लिए मैंने आपको ट्रेनिंग की, अभी दिखाता हूँ मैं एक सेट और करता हूँ। मैं देख रहा हूँ फट जाती है कसम से, नानी याद आ जाती है। गाना तक के जोर लग जाते, फक मैन, कसम से देखने में इतनी आसान है ना, इतनी आसान है ना, बंदा बोलता कि मैं 50 सेट करूं, लेकिन 5-6 सेट में बंदे की हालत खस्ता हो जाती। 10वां सेट था मेरा लास्ट था, बस होगी मेरी कसम से। मैंने इससे पहले ग्राउंड के 15 चक्कर मारे वाओं के लिए, बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ओह माय गॉड, दोस्तों बने रहो, आगे दिखाता हूँ, आगे मिलते हैं। फाइनली जो हमारा वर्कआउट हो गया ख़त्म, एकदम हालत टाइट हो गई मस्त, और अब आगे हमारी बॉडी जो है प्रोटीन पीने की, क्योंकि बॉडी को रिकवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो प्रोटीन पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर हो और आप अगले दिन आराम से फिर से वर्कआउट कर सको। ठीक है, आप भी आराम से प्रोटीन पिया करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रोटीन ही पियो, कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ खाओ, अंडा खाओ, चिकन खाओ, जो भी आपने खाओ प्रोटीन वाली चीज़ खाओ ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो, मसल रिकवर हो, अगले दिन फिर से अच्छे से ट्रेनिंग कर सको। तो मैं पहले प्रोटीन पीता हूँ, थोड़ी बहुत धूप निकली तो अच्छा लगा वर्कआउट करने में, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गया मैं कसम से आज। तो दोस्तों इसी व्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड, अगर आपको व्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूले, अपने भाई को सपोर्ट करो, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।